吸ったい。おおおアクチン、イダデコアクチュアクチン、イダデイクナ。エビタ。リジェミラ。Hey everyone, welcome back to my another vlog. तो कैसे हैं आप सब? तो ये लास्ट डे नहीं है, अब हम लोग का टाइम हो गया वापस घर को जाने का। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ पे पहुँच गए थे और टाइम अभी काफ़ी था, फ्लाइट में लगभग मिड आफ्टरनून टाइम था और मुझे टाइम और डेट भी याद नहीं है। तो भाई दोपहर के टाइम में हमारी फ़्लाइट थी, तो हम लोग मॉर्निंग में ही ना पहुंच गए थे। पहले ही तो यहाँ पे लगेज हो रहा, वो ड्रॉप हो रहा, लगेज जा रहा है, तो यहाँ पे लगेज को दे दिए हैं और अच्छे तो अपना लगेज छोड़ना नहीं चाह रहा था, तो इस तरीके से ये भी काम हो गया। तो हम लोग ना कोलकाता एयरपोर्ट पे जब घूमने के लिए आ रहे थे तो वहाँ पे लाउंज था, तो वहीं पे खा लिए थे ब्रेकफास्ट ये सब। तो यहाँ पे भी ना देख रहे थे, तो बट यहाँ पे बैनर तो लगा है बट वो ओपन नहीं है, ठीक है। तो हम लोग यूं ही कुछ कुछ यहाँ पे खा लेते हैं नाश्ता, क्योंकि कुछ खा कर नहीं आए थे, बस वहीं आ गए थे, मॉर्निंग में ही निकल गए थे। तो फिर यहाँ पे बैठते हैं, तो बाबू को बाथरूम जाना था तो उसको वॉशरूम ले जाते हैं। तो एक कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ का एयरपोर्ट का। और तो चलिए बाबू को ना फ्रेश कर देते हैं, दोनों को ना बाथरूम, मतलब कि एक तो पॉटी किया हुआ था, एक को टॉयलेट लगा था। तो यहाँ पे था बेबी का चेंज कर, चेंजिंग रूम है, तो वही हम लोग जा रहे हैं अभी, उसको चेंज करा देंगे, डायपर चेंज करेंगे उसका। तो इसके बाद हम लोग वेट करते हैं थोड़े टाइम के लिए, और थोड़ा लेट ही हो जाती है फ्लाइट, तो हम लोग को थोड़ा ज़्यादा वेट करना पड़ जाता है, ज़्यादा लेट नहीं। तो अब सब कुछ हो गया है तो हम लोग आ गए हैं अपना चेक एयरप्लेन के पे बैठने के लिए, और सब कुछ सारा जो प्रोसेस है वो क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे अब हम लोग बैठ जाएंगे। तो थोड़ी मैं सोची चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। और इसके बाद हम लोग पहुँच गए थे कोलकाता। तो कोलकाता में ना उस दिन का तो मैं अब कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करी, जिस दिन हम लोग पहुँचे थे काफ़ी थक गए थे तो रेस्ट किए। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग का एक क्लिप है, जिस दिन हम लोग को ब्रॉनी जाना था वापस, तो काफ़ी टाइम थी, तो अभी मॉर्निंग का जस्ट मतलब कि 8 o'clock ही हो रहा है। नेक्स्ट डे है, जिस दिन हम लोग की फ़्लाइट थी ना उसके इवनिंग आकर हम लोग रेस्ट किए, कहीं नहीं गए, बस यहीं पे गेस्ट हाउस था IOCL का कोलकाता में ही, तो हम लोग रुके। नेक्स्ट मॉर्निंग है ये, जिस दिन हम लोग को जाना है वापस घर को, तो उसके पहले टाइम था, तो हम लोग ना यहाँ पे कोलकाता का जो है जूलॉजिकल गार्डन जू वहाँ पे सोचे चलते हैं। तो वही कैब का वेट कर रहे हैं, ओला से बुक किया हुआ है, तो सब नीचे में ही खेल रहा है, ग्राउंड है ना, गेस्ट हाउस है IOCL का, तो खाना पीना सब कुछ है। तो इसके बाद कैब आ गई थी, तो हम लोग आ गए हैं जू। तो यहाँ पे सब कुछ टिकट एंट्री सब कुछ हो गया है, और यहाँ पे अब बच्चे थोड़ा इन्जॉय करेंगे, अच्छी तो खूब मज़ा आता है तो वो खेलेगा, और बुआ भी लग रहा है ना कि थक गया है घूमते घूमते, बच्चे तो थक ही जाते हैं, बट अच्छित में अभी भी उसको एनर्जी था, क्योंकि उसको जू देखना था, एनिमल्स देखना था, उसको अच्छा लगता है, घूमता है तो इसी तरीके से। और फिर मैं थोड़ा सा अपना वीडियो बना रही हूँ हम सब के साथ, फैमिली के साथ, और फिर इस तरीके से हम लोग घूमते हैं। छोटा छोटा क्लिप मैं इसमें मिक्स मैच कर दी हूँ, क्योंकि अब काफ़ी हो रहा था वीडियो अंडमान का, तो अब मैं आगे जो भी है इसके बाद भी मैं ब्लॉग बना कर रखी हुई हूँ काफ़ी सारा, तो अभी तो काफ़ी लेट हो गया है, तो वो मैं अपलोड करूँगी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके। तो लास्ट है अंडमान का जो भी था, अंडमान टू कोलकाता टू ब्रॉनी, और ब्रॉनी टू कोलकाता टू अंडमान, इस तरीके से हमारा जो है जर्नी हो गया है। ये लास्ट वीडियो है टूर का,
और यहाँ पे टाइगर डेन था, तो हम लोग चलते हैं टाइगर को देख लेते हैं। वो घूम रहा था टाइगर, और अचित बोल रहा था जल्दी चलो जल्दी चलो, और देखिए किस तरीके से एक्साइटेड है पूरा एकदम देखने के लिए। बच्चे को मन लगता है तो वो बता रहा है कि मम्मा देखो चल रहा है इस तरीके से, वो कुछ बोल रहा है। और देखिए यहाँ पे टाइगर है। ओ दीवान एक ही और कितना रहेगा। हाँ उसका झेल, हाँ? उसका झेल देखो, उसका झेल नहीं झेल झेल है। वो अपने घर में रहता है, उसका घर वही है ना, ऊपर भी चढ़ता है जब करके, तो जब करेगा तो जब क्या तो कैसे दिखाना। आने तो फिर चलेंगे। लॉयन का लॉयन एक ही टाइगर है, एक टाइगर तुम ही को आके बांध खा लेगा टाइगर करेगा तो। देखो मुंह फाटा है, छोटा छोटा बच्ची को खाता नहीं है। चलिए जाओ, तुम तो बस बात ही नहीं करूंगा तुरंत मैं बोलते लगते। अच्छी दूर आओ, क्या है बेटो दिवांश? चलो आगे चलो जल्दी, तीन तीन है देखो। और भी है अंदर के, हाँ इसका घर वही। तो हम लोग काफ़ी जल्दी जल्दी घूम रहे थे, क्योंकि यहाँ से हम लोग की ट्रेन थी सेम डे दोपहर के टाइम, वंदे भारत की जो टाइमिंग होती है कोलकाता टू ब्रौनी, मतलब कि पटना तक जाती है बट ब्रौनी तक ही हम लोग को जाना था। तो हम लोग सोच रहे थे ना जितना जल्दी हो, चारा तो नहीं कवर हो पाया था, बस थोड़ा सा बच्चे को लाना था क्योंकि टाइम था, तो घूम लिए यहाँ भी जो भी देख लिए, तो जल्दी जल्दी में थे तो बस जो जितना देख पाए, और भी देखे थे एलिफेंट वगैरह, स्नेक वगैरह, फिश वगैरह, तो वो सब का ना वीडियो एक्चुअली नहीं रिकॉर्ड कर पाए, एक्वेरियम में सब था बना हुआ, तो ज़्यादा नहीं वीडियो बनाई, बस यही छोटा छोटा क्लिप मैं इसमें अपलोड करी हूँ, मतलब कि मिक्स मैच करी हूँ। तो
और फिर इसके बाद हम लोग चले जाते हैं, क्योंकि टाइम पे भी ध्यान देना था और ट्रैफिक हो गया तो और भी दिक्कत है। इसीलिए सिटी में तो ट्रैफिक रहता ही है, वो भी दोपहर का नहीं, मतलब कि 10-11 का टाइम था, 11 बजे तक हम लोग यहाँ पे रहे थे, फिर निकल गए थे वहाँ से। टाइम मुझे एक्चुअली अभी याद नहीं है, तो जो भी था ऑल अबाउट ये सब देख लिए हैं, जो भी देखना था छोटा छोटा चीज़ और बड़े बड़े एनिमल्स भी देखे। टाइगर तो इस तरीके से हो गया हमारा ये जू का भी जर्नी, और यहाँ पे शेर श्रेणी का भी दर्शन कर लिए। और अब हम लोग वही रास्ते में चल रहे हैं, तो जो मिल रहा है तो हम लोग एग्जिट खोज रहे थे कि किधर है। काफ़ी बड़ा जू है ना, इंडिया का लार्जेस्ट जू है ये, जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता का। तो यहाँ से हम लोग अब निकलते हैं, इसके बाद हम लोग फिर से कैब ले लेते हैं, कहीं भी जाना आना होता है ना तो ओला बुक कर लेते हैं आराम से, क्योंकि तो फिर चलते हैं। तो इस तरीके से हम लोग घूम लिए, अच्छी तरह पूरा इंजॉय किया, और वो जल्दी जल्दी बोल रहा था जल्दी चलो जल्दी देखो, इस तरीके से बोल रहा था, और मतलब कि तेज़ी से चलो जल्दी जल्दी देख लेंगे। उसको मैं बोल रही थी कि बेटा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी देखना है। तो फिर हम लोग आ गए थे स्टेशन, तो जंक्शन यहाँ पे कोलकाता हावड़ा, हाँ हावड़ा आ गए थे, हावड़ा जंक्शन आ गए थे। तो यहाँ से हम लोग वंदे भारत था, तो ये पहुँचा देती है इवनिंग का टाइम, मतलब कि हाँ इवनिंग टाइम पहुँचाती है। तो यहाँ पे खाना नाश्ता ये सब खाते हुए वंदे भारत में तो देता ही है, फर्स्ट टाइम जर्नी था वंदे भारत से, तो मैं सोची चलो इसका भी वीडियो बना लेते हैं। ठीक है, ये फ्लाइट जैसा है, इसका भी सीट है खाने का, मतलब कि सीट के पीछे टेबल जैसा छोटा सा लगा हुआ है, इस तरीके का कुछ है। तो यहाँ पे पता नहीं हाथ आ गया होगा कैमरा के पास, तो कुछ धुंधला सा हो गया है। और अच्छी तपना विंडो सीट खोज रहा था, तो विंडो सीट था, बट यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड सा लगा हुआ है, तो ये ना दूसरे के सीट पे बैठ रहा था, तो मैं उसको बोल रही थी अपने सीट पे बैठो। तो इस तरीके से हमारा जर्नी जो है एंड होता है अंडमान का। तो इसके बाद आगे कुछ भी नहीं रिकॉर्ड है, जो भी है यही है। तो इसके बाद हम लोग पहुँच जाते हैं ब्रौनी, वहाँ से भी गाड़ी बुक की हुई थी, तो हम लोग चले जाते हैं अपने घर को क्वार्टर पे टाउनशिप। तो इस तरीके से हमारा जो है जर्नी अच्छे से हो गया, और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। तो आगे जो भी है मैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगी अपना रूटीन ब्लॉग। तो बस यही था, हम लोग बातें कर रहे थे, अच्छी को विंडो सीट चाहिए था तो वही बोल रही थी, तो फिर यही है। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये, एक्चुअली लास्ट ब्लॉग ना मिक्स मैच कर दी हूँ काफ़ी ज़्यादा, मैं बार बार बोल रही हूँ कि मिक्स मैच कर दी हूँ, तो कोई नहीं, छोटा छोटा क्लिप लेकर बना दी हूँ, बस अपडेट देना था। तो चलिए, तो फिर यहीं पेंट करते हैं अपने इस ब्लॉग को, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट भी कीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।